हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे जयदीप प्रकाश जी ने बोले थे कि एचपीएमसी जेल कैसे बनाया जाता है। तो एचपीएमसी एक टेक्निकल जेल होता है जिसे हम हैंड वॉश, डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट में यूज करते हैं। उसका काम है वो टेक्निक देने के लिए। HPFC का मतलब होता है हाइड्रोक्सी प्रॉपरली मिथाइल सेल्यूलोज। हाइड्रोक्सी प्रॉपरली मिथाइल सेल्यूलोज वह उसका फुल फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं HPFC को हम कैसे ठीक करेंगे। उसे आप स्टीरर के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, या हम अभी जो ठीक करेंगे वो गर्म पानी लिए हैं। अगर आप HPFC को बना रहे हैं, HPFC जेल बना रहे हैं, तो आपका पानी का टेम्परेचर 35 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो अच्छा से और क्विकली डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं, 1 ग्राम से 2 ग्राम तक हम लेते हैं HPFC। तो बहुत ही पतला होता है, तो मिक्स के लिए वो टाइम लगता है। तो ये हमारा गर्म पानी है उसमें, क्योंकि उसे मिक्स करने के लिए अगर आप स्टीरर के माध्यम से मिक्स कर रहे हो तो मिक्स हो जाएगा, मगर 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होने से वो अच्छा मिक्स होगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं 300 ग्राम पानी ले लेते हैं, उसका 1:1 में उसे बनाए हैं। 200 ग्राम पानी, 2 ग्राम HPFC, तो मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप मिक्स कर रहे करेंगे तो अगर उसे आप बड़े क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हो तो मिक्सचर में मिक्स कीजिए। ये छोटे क्वांटिटी का है, मैं दिखा देता हूँ कि ये गर्म पानी इसलिए मैंने लिया कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए जल्द, तो उसे मिक्स कीजिए। देखिए दोस्त, आप HPFC मिक्स करके उसका जो जेल को आप हैंड वॉश हो, डिश वॉश हो, या लिक्विड डिटर्जेंट में यूज कर सकते हैं। हमने लिक्विड डिटर्जेंट उसी HPFC में हम लिक्विड डिटर्जेंट बनकर दिखाएंगे। उसमें आप सैनिटाइजर, जो जेल सैनिटाइजर आता है, उसे आप कार्बोपोल और ट्राईथर्माइन यूज करके बना सकते हैं, या HPFC में भी बना सकते हैं। तो अभी ठीक बन गया, देखिए और भी ठीक हो गई है। देखिए दोस्तों, उसका थिकनेस भी अच्छा आ गया है, ये और भी ठीक हो जाएगा। आप उसे छोड़ देंगे 4 घंटा, 4-5 घंटा छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अगर आपके पास स्टीरर अवेलेबल नहीं है तो उसे बनाकर, उसे इसी तरह गर्म पानी देकर उसे बनाकर छोड़ दीजिए। अगर ये 10-12 घंटा रह गया तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर ठीक बन जाएगा। उसे बस ठीक थोड़ा सा मिक्स करने से वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो जेल है उसे आप यूज कर सकते हैं, वो और भी ठीक होगा ठंडा होने के बाद। देख लीजिए दोस्तों, उससे पहले मैंने बनाया था HPFC, तो उसे देख लीजिए, उसे 1-2 घंटा हो गया है, देख लीजिए।
ये मैंने ज्यादा परसेंट नहीं लिया था, 1% लिया था। अब उसके रिजल्ट देखिए, वो जैसे जितने देर रहेगा वो उतने ही थिक बन जाएगा। 1% यानी 100 ग्राम में आप 1 ग्राम ले सकते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें 10 ग्राम तक एसपीएमसी डालकर उसे मिक्स कर लीजिए, वो बिल्कुल गाढ़ा जेल बन जाएगा। आप जो चीज बना रहे हो तो उसमें उसे यूज कीजिए। इसी तरह आप एचपीएमसी जेल बनाकर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं या तो उसे ठीक कर सकते हो। यही से हमारा आज का मुलाकात खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे फॉर्मुलेशन के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।